खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 मई है और दिन है शनिवार। आज सरसों में भी गिरावट है और बड़ी गिरावट है और कॉटन बाजार भी डाउन है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाजार कहीं 50 रुपए तो कहीं 100 और कहीं 150 रुपए तक की भी बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसका कारण ये है, तीन कारण जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो कारण ये है कि एक तो इंडोनेशिया ने कल 10 लाख टन का पाम तेल का आवंटन किया है निर्यात करने के लिए। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये तेल किस किस कंट्री को, किस किस आयातक को दिया जाना है और कितना दिया जाना है और किस अवधि में दिया जाना है। भारत की जहां तक बात है, 18 जून से पहले तेल आयात करने के लिए कोई फैसला नहीं हो सकता क्योंकि तब तक सरकार ने आवेदन मांग रखे हैं और उसके बाद ही इस पर चर्चा होगी, इस पर फैसला होगा, इस पर परमिट जारी होंगे कि कितना तेल किस आयातक को, किस व्यापारी को, किस रिफाइनरी को, किस कंपनी को मिलेगा। खैर ये बात अलग है, तब तक जो है वहाँ से कोई बड़ी मात्रा के अंदर पाम तेल आएगा। 2 लाख टन माल कल परसों पहुंचा है लेकिन इसके बाद कोई और माल आएगा इसकी संभावना कम है। लेकिन जैसे ही भारत ने आयात शुल्क कम किया सोयाबीन के तेल पर और सूरजमुखी के तेल पर, इंटरनेशनल मार्केट के बाजार के भाव ऊंचे हो गए। तो वो जो सोयाबीन के तेल में आयात शुल्क जो कम किया है, यानी जितना मार्जिन कम किया था वो उतना भाव विदेशी तेलों का बढ़ने से वो मार्जिन लगभग समाप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, एक दो कारण। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है भारत सरकार लगातार जो है ये जो आपकी स्टॉक लिमिट है, स्टॉक लिमिट पर निगरानी कर रही है और बड़ी सख्ती कर रही है स्टॉक लिमिट को कड़ाई से लागू करने के लिए। आपने कल भी देखा और आज भी कई जगह से सुनने को मिल रहा है कि भारत सरकार की जो प्रतिनिधि हैं या कंपनियों के ऊपर जो है छापे मारे जा रहे हैं। 8 राज्यों में लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, स्टॉकिस्टों के साथ साथ रिफाइनरीज पर भी छापे मारे जा रहे हैं और अन्य तेल कंपनियों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। छापे का मतलब ये है कि जांच की जा रही है कि वो स्टॉक लिमिट के नियमों की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं स्टॉक ज़्यादा तो नहीं है। ये एक दहशत फैला रही है बाजार में चीज़ें और इन दहशत से बाजार टूट रहा है। बाजार में जो सरसों तेल की मांग है वो भी कमज़ोर है। हालांकि सरसों का तेल सबसे सस्ता है आज के दिन और कई दिन से, इस सीज़न से मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये नया सीज़न शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक सरसों का तेल सबसे सस्ता बना हुआ है। सरसों के तेल के अंदर आगे भी डिमांड बनी रहने की संभावना है और जैसे जैसे थोड़े गर्मी का सीज़न ठंडा पड़ेगा, थोड़ा कमज़ोर होगा और थोड़ी सी कोई मौसम में परिवर्तन होगा तो सरसों का तेल जो है उसकी खपत बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ने के बाद बाजार में सरसों के भाव बढ़ेंगे। सरसों में निश्चित रूप से तेजी की संभावना बनी हुई है। सरसों में गिरावट जितनी आ सकती थी आ चुकी है, अब शायद और गिरावट ना आए, ये मेरा अपना विवेचना है, मेरी अपनी कल्पना है, कल्पना नहीं कहना चाहिए, मेरा अपना एक अनुमान है। मैंने जहां तक इसका स्टडी किया है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि बाजार में अब और गिरावट की संभावना, ज्यादा गिरावट की संभावना, इतनी बड़ी जो गिरावट अब तक आ चुकी है इससे ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि इस सीजन के अंदर हमने 7350 का लेवल भी जयपुर का देखा है। 350 रुपये जयपुर के बाजार में गिरावट आ चुकी है और अब भाव है 7000 रुपये। भरतपुर का बाजार आज 6581 पर खुला है लेकिन जो और मंडियां हैं उनके अंदर मतलब इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। छोटी मंडियों में बाजार कुछ ज़्यादा डाउन हो सकता है लेकिन जो और जो बराबर की मंडियां हैं, जैसे भरतपुर के बराबर की मंडी है, सुमेरपुर है, धौलपुर है, इन मंडियों में कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी दूसरी इन बड़ी मंडियों में आई है। कुल मिलाकर के सरसों के बाजार के अंदर जो गिरावट आनी है आ चुकी है और आ सकती है थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन बड़ी गिरावट की अब संभावना कम है। बाजार ने निश्चित रूप से तेजी की तरफ चलना है, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। जब तक सरकारी डंडा कमज़ोर होगा, सरकारी डंडा थोड़ा सा असर कम होगा और जो इंडोनेशिया के पाम तेल का दबाव कम होगा, दूसरे देशों के जो विदेशी तेलों का आयात होता है हम करते हैं उसकी मात्रा कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं आ रही है लेकिन बस एक हवा बनाया जा रहा है कि भारत से बाहर में से बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है।
इसलिए बाजार थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहा है। गर्मी का सीजन भी है, मौसम ठीक होने दीजिए, सरसों का बाजार ठीक तरह से तेजी की तरफ चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। थोड़ा सा बाजार देख लेते हैं कॉटन का। कॉटन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में जो वायदा है उसमें लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, और दक्षिण भारत की जो स्पिनिंग मिल्स हैं उन्होंने कारोबार रोक रखा है, खरीदी बंद कर रखी है, इसलिए कॉटन बाजार के अंदर बड़ी गिरावट यानी डाउनफॉल चल रहा है। और आज उत्तर भारत की मंडियों के अंदर जो है बाजार 11:30 से 12:30 के बीच कारोबार करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन गुजरात का बाजार आज ज़्यादा गिरा है और भाव 2400 रुपये तक आ गया है, 2400 रुपये 20 किलो का भाव है। तो कुल मिलाकर के कॉटन के बाजार में क्योंकि उपलब्धता कम है इसलिए ये सपोर्ट तो है, लेकिन खरीदी नहीं होगी तो बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट और भी आ सकती है, 10,000 से बाजार नीचे जाने की संभावना कम है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर 6,568 रुपये खुला है, माफ करें, सलोनी 7,300 पर कारोबार कर रहा है, जयपुर 7,000, दिल्ली 6,850, आदमपुर 6,390, अलवर 6,625, सिरसा 6,376, निवई 6,850, संगरिया 6,181, खैरथल 6,630, गंगानगर 6,500, हिंडौन 6,681, बारा 6,250, धौलपुर 6,415, सुमेरपुर 6,840, दादरी 6,600, ग्वालियर 6,450, गोलूवाला 6,550, एलनाबाद 6,353, नरमा आज एलनाबाद में बिका है 11,700 रुपये, आदमपुर में 12,300 रुपये और सिरसा में 11,775 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।